हे वेलकम बैक, मैं हूं बिजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में। कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या है और ये कैसे काम करता है फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में इसे हम किन किन तरीकों को से किन किन इमेजेस पे इसका यूज कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे और इस फोटो हीलिंग ब्रश टूल की लिस्ट में आपको नीचे मिलता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। देखिए ये कंटेंट अवेयर प्लस मूव टूल है, ठीक है, हम इसे यूज करते हैं एंड मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और इसकी प्रॉपर्टीज वाला लगभग सेम ही है जो कि प्रीवियस जो सिलेक्शन टूलों के बारे में हमने सीखा था। यहाँ से हम ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट और यहाँ से इंटरसेक्ट, ठीक है। ये है मूव टूल और ये स्ट्रक्चर्स कलर्स एंड सैम्पल ऑल लेयर्स ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें क्या हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि मेरे पास एक ये फ़ोटोग्राफ है और ये फ़ोटोग्राफ लगभग वही होती हैं जो हम पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं कि हाँ भाई ये फ़ोटो इस टूल से अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए ऐसे मेरे एक पास फ़ोटोग्राफ है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि एक बलून यहाँ पे है, एक नहीं बहुत सारे बलून्स यहाँ पे हैं, लेकिन इस बलून्स को मैं मूव करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने ये टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है एंड अब मैं माउस की लेफ़्ट की को दबाए रखकर इसका एक सिलेक्शन बनाता हूँ, और ये सिलेक्शन आसानी से आप बना सकते हैं। एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे यूँ मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, और अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से मूव तो कर सकता हूँ लेकिन ये यहाँ पे भी है। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये वहाँ से रिमूव हो गया है, और वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड से इसने कलर्स और पिक्सल्स ढूंढ लिए हैं और ये यहाँ पे आ गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर चेंज करके देख सकते हैं, यहाँ पे है। जैसे ही स्ट्रक्चर आप बंद सेट कर देते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ एक मिनट के लिए, जैसे कि ये हमारे पास जूम पिक्चर है, और अब मैं इसका स्ट्रक्चर सेवन कर देता हूँ तो कुछ चेंजेस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये चेंजेस देखने के लिए मिला, जैसे ही आप नंबर्स कम पे जाएंगे तो ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे लिटिल बिट, ठीक है। ऐसे ही आप कलर के साथ कर सकते हैं, कलर्स को 9 तक ले जाइए तो यहाँ पे ये कलर्स देखिए बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैच हो गया है, और अभी जो कलर था 6 पे तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, देखें आप तो नहीं लग रहा क्योंकि वाइट एरिया आ रहा है। अगर आप चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करेंगी, स्ट्रक्चर एंड कलर्स। मैं इसे डी सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल डी से, तो ये चीज़ प्रॉपरली यहाँ से यहाँ मूव हो गई है, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं, मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये टूल्स क्या हैं, जैसे ही मुझे कुछ ऐड करना होगा, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में ये और आ जाए, ठीक है, और ये भी और आ जाए, तो ऐसे आप मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कुछ भी, तो सब्ट्रैक्ट पे आइए, इसे हटा दीजिए। अब आप चाहते हैं किसी एक को रखना, अब आप सब्ट्रैक्ट यूज करिए, तो सब्ट्रैक्ट में आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो सिलेक्शन है आपका वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, और सिलेक्शन टूल के बारे में इनका हमने बहुत जिक्र किया है तो आप इनको तो सीख ही गए होंगे। फिलहाल के लिए ट्यूटोरियल में हम इसे स्किप नहीं कर सकते थे, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। जैसे कि मेरे पास ये है, अब आप कहेंगे कि क्या हम इसमें जो अलग से सिलेक्शन टूल हैं उनका यूज कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि हाँ आप उनका यूज कर सकते हो, चाहे आप किसी भी टूल का यूज करें। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पॉलिंग एलोलेसल टूल टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, और मैं इस टूल से इसका एक रैंडमली सिलेक्शन बनाता हूँ इस बलून का। सिलेक्शन बनाने के बाद, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी टूल पे आ जाएंगे जो आपका टूल है कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं, यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, और देखिए ये यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया है, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल फिक्स हुआ है, अच्छा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर और कलर को छेड़खानी नहीं करेंगे, तो इट्स फाइन फॉर मी। एंड कंट्रोल डी से हम करेंगे डी सेलेक्ट, तो ये कुछ ऐसा हो गया है। तो आपने देखा होगा कि ये तो बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है, तो हाँ भाई ये बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है क्योंकि ये एक सिलेक्टेड सी इमेज थी, इसलिए इस पर आसानी से हो गया है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ये क्या काम करता है, जैसे ही कि मैं इस बलून को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, देखिए रैंडमली मैंने फ्री हैंड टूल से सिलेक्ट किया, और अब मैं इसे मूव करता हूँ यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आती है ये। अब क्या मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, और इसे रोटेट भी कर सकता हूँ,
किसी भी एंगल पे, ठीक है। और अब मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँ इसे, आप देखेंगे कि ये अप्लाई हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर दें। तो इस बार क्या हम ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप अनचेक रखते हैं और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, एंड फिर हम कोई ऐसा एरिया ढूंढते हैं जैसे कि यहाँ पे। इस बार अनचेक है हमारा ये ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, चेक कर लीजिए इसे। तो हम कंट्रोल टी से जो बेसिकली होता है ऐसे फिक्स करना चाहें इसे और कहीं पर भी लगाना चाहें तो ये काम नहीं करेगा सही से और ये एकदम से बिगड़ जाएगा। काम को सही करना चाहते हैं तो हमेशा आप इस ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को चेक रखें, जिससे ये होगा कि आप अपनी इमेजेस को ड्रॉप करने के समय ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे यहाँ पे लाया और इसे मैं ट्रांसफॉर्म समय ड्रॉप कर सकता हूँ और आसानी से यहाँ पे इसे प्लेस कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और वहाँ पर प्लेस हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका था काफ़ी अच्छा, ठीक है। अगेन हम फिर उसी पिक्चर पे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मोड्स भी हैं, कुछ मोड्स में देखा जाए तो एक है एक्सटेंडेड मोड। एक्सटेंडेड मोड क्या है देखते हैं हम, एक्सटेंडेड क्या करेगा ये चीज़ों को। जैसे कि हम एक्सटेंडेड मोड पे हैं और ये हमारे पास एक इमेज है और मैं ऐसे इस वॉल्यूम को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ रैंडमली, जस्ट रैंडमली, और यहाँ से मैं इसे यूँ डाल देता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से कॉपी हो गई है, हमारी जो मेन थी ओरिजिनल थी वो भी है और इसका एक एक्सटेंडेड कॉपी हमें अलग से मिल जाती है, ठीक। इसी तरह से आप अगेन इसकी कॉपीज कर सकते हैं, एक्सटेंडेड मोड पे आइए और कॉपीज करते रहिए। और मैं इसे यहाँ पे और अप्लाई फ्रॉम दिस, और स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 पर ठीक लग रहा है, नहीं 4 पे, 5 पे, आई थिंक 6 पे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। और अगर ऐसे आपको देखना है कि कलर्स यहाँ पे सही से फिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए अगर आप इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं, मतलब इस सिलेक्शन आपको ना दिखे, तो कंट्रोल एच दबाइए। इससे क्या होगा, आपको सिलेक्शन दिखेगा नहीं पर सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। अब आप इससे कलर मैनेज कर सकते हैं, आपको कलर ठीक से मैनेज करने का पता लग जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, देखिए, ठीक है ना। और आप कंट्रोल एच अगेन दबाइए तो सिलेक्शन आपका है गया नहीं था, रहेगा यहीं पे, और आप इसे इजीली फिक्स कर सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज एंड कलर वाइज, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सटेंडेड कॉपीज कर सकते हैं। इसका एक और यूजेस ये है कि यहाँ पे कुछ ब्लर्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे अगर मैं इस पिलर को सिलेक्ट करूँ तो हम लेंगे कॉन्टेंट अवेयर टूल, पिलर को सिलेक्ट करूँ तो देखिए अभी हेरेन टूल है, हम इसे जैसा चला रहे हैं वैसा चल रहा है ये, ठीक है। तो हम इसे ऐसे नहीं चाहते, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं और अगर होल्ड को होल्ड कर लेते हैं तो ये देखिए पोनोगोनल लेसर टूल में चलेगा, जिससे हम इसे इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर ऐसे कर्व एरिया है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट की को और होल्ड कर लेता हूँ माउस की को, तो ये अपने माउस के साथ चलेगा और देन फिर ये लेसर टूल पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मुझे इसे ऐसे चलाना है फ्री हैंड, तो आप इसे माउस की लेफ्ट की से दबाए करके कर सकते हैं और देखिए सेशन तैयार है। और यहाँ पे चेक रखिए एक्सटेंडेड और यहाँ पे जो भी वैल्यू आप अराउंड 6, 4 एंड 6, फिर इसे आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मैं इसे यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ लाइक डेट एंड थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे अप्लाई कर देता हूँ एंड डी सेलेक्ट। तो ऐसे इसकी कॉपीज को एक्सटेंड कर सकते हो आप। और एक और तरीका ये है कि आप, मैं इसे सिलेक्ट करना चाहूँ, होल्ड को होल्ड किया मैंने और यहाँ से ये काम करेगा पोनोगोनल से टूल में, मैंने इसे ऐसे सिलेक्ट किया लाइक सिंपली, और अब मैं इसे थोड़ा सा लंबा करना चाहूँगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड भी करूँगा, ठीक है, और यहाँ से अप्लाई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें यार थोड़ा सा यहाँ पर कलर शेड हैं जो स्काई ब्लू से चेंज हो गए हैं, इतनी कलर्स रेंज हमें बेकार लग रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल एच दबाएंगे जिससे कि सिलेक्शन ना दिखे हमको, और अब हम इस कलर रेंज को फिक्स कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो इनकी एजेस पे आपको एक कलर रेंज दिख रही होगी, अगर आप एच रहने देते तो आपको ये लाइंस डिस्टर्बिंग लगती है, आपकी जो कलर्स पिक्सल्स हैं वो आपको सही से देख नहीं पाते हैं, तो ये आपको डिस्टर्ब करती है। तो कंट्रोल एच दबाइए और इसे हाइड कर दीजिए,
कंट्रोल एच मीन्स हाइड, इसे हाइड कर दीजिए और फिर आप इसे कलर्स के साथ अच्छे से मैनेज करिए, ठीक है, कितना आपको अच्छा लग रहा है। 4 इज गुड, नॉट 2 सही नहीं है, हम 3 पे चलेंगे। सॉरी अभी हमारा सेशन हटा नहीं था, तो हम कंट्रोल डी से इसे डीसेलेक्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब देखें तो हमने इसे एक्सटेंड कर दिया है। चलिए एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट कीजिए और यहाँ पे इसको चेक रखिए, सैम्पल ऑल लेयर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसे सेलेक्ट किया रैंडमली, इस लेयर पे हैं हम अभी, और इसे यहाँ पे मूव कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें कि ये आपका जो भी काम होगा वो फिर न्यू लेयर पे होगा और इससे आपका कंट्रोल आपके हाथ में ज़्यादा रहेगा। आप चाहें तो इस लेयर को पसंद नहीं आ रहा तो बस डिलीट की से डिलीट दबा दीजिए, और चाहें तो और अच्छे से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं इसे, और आपका मन किया कि आप इसे मैनुअली इरेज करना चाहते हैं, इसकी जो एजेस हैं उन्हें आप मैनुअली फिक्स कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे कुछ ब्लेंड मोड यूज करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज द ब्लेंड मोड। तो ऐसे आप न्यू लेयर का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट अवेयर मूव टूल काम में आया होगा और आप इसका बहुत यूज लेंगे। इसमें हमेशा सिलेक्टेड इमेजेस यूज करते हैं, तो हमारा संडे का एपिसोड ज़रूर देखिएगा जिसमें हम टूल्स को ऐसे भी यूज करते हैं जो सिलेक्टेड इमेजेस नहीं होती हैं, जो डिफ़िकल्ट एंड टफ इमेजेस होती हैं उनको भी फिक्स करने की बात करते हैं और उनको फिक्स करके प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।